దేశాన్ని లూటీ చేసిన ఘనత కాంగ్రెస్ కి దక్కిందని కేంద్ర ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ శాఖ మంత్రి సాధ్వి నిరంజన్ జ్యోతి పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పాలన మొత్తం అవినీతి కుంభకోణాలతోనే సాగుతుందని అన్నారు. ప్రజా సంక్షేమ పథకాలపై ఏనాడూ దృష్టి సారించలేదని అన్నారు. బీజేపీ పార్టీ ఒక్కటే ప్రజా సంక్షేమాలపై దృష్టి సారించిందని అన్నారు. తాండూరులో బీజేపీ జెండా ఎగురవేయడం ఖాయమని అన్నారు. ఉద్యోగం రాయికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ తెలంగాణ ఈ దోనో ఏక్ తే పహలే 2014 కే పహలే యూపీఏ కి గవర్నమెంట్ నే జల్దీ జల్దీ చునావ్ కో దృష్టిగత రఖతే హువే రాజ్యం కా విభజన కడీ కర్ దియా. లేకిన్ ఉన్కా జో హిస్సా హోనా చాహియే, ఏక్ తాల్మేల్ హోనా చాహియే, ముజే లగ్ రహా హై కి వో జల్దీబాజీ మే కాంగ్రెస్ సే నహీ కర్ పాయి. ఆప్కో యాద్ హోగా హమారే భారతీయ జనతా పార్టీ కే యశస్వీ ప్రధానమంత్రి స్వర్గీయ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి జీ నే భీ 3 రాజ్య బనాయే థే, జిస్మే ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తర ప్రదేశ్ సే అలగ్ కియా థా, బిహార్ సే ఝార్ఖండ్ కో అలగ్ కియా థా, మధ్య ప్రదేశ్ సే ఛత్తీస్గఢ్ కో అలగ్ కియా థా. అలగ్ హోనే కే బాద్ భీ వహాన్ కోయి ఝగడా నహీ హువా, శాంతిపూర్వక హో గయా. లేకిన్ ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आज भी दोनों का कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के विवाद चल रहा है, और वो विवाद हमारी सरकार के कारण नहीं है, यह यूपीए की गवर्नमेंट की गलतियों के कारण है. किसी भी राज्य का विभाजन होता है तो उसके मानक उसके पैमाने पहले तय कर दिए जाते हैं. जिस तरह से आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के सांसद पार्लियामेंट में अपनी मांगों को लेकर के पार्लियामेंट के समय पार्लियामेंट नहीं चलने देते रहे. उनकी मांग जायज थी, मैं उसको गलत नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने विशेष राज्य का दर्जा मांग करने के लिए सरकार में रहते हुए इस्तीफा दिया फिर वो अलग चले गए, मुझे तो नहीं लगता कि जिन लोगों ने इस राज्य को गठन करने के लिए कुर्बानियां दी उनके परिवारों को कुछ मिला होगा, मुझे उम्मीद नहीं है. हाँ, जिन्होंने सरकार बनाई राजनीतिक दृष्टि से उनके पूरे परिवार को जरूर मिला. कहीं बेटी एडजस्ट हो गई, कहीं बेटा एडजस्ट हो गया, कहीं भतीजा एडजस्ट हो गया, कहीं स्वयं सीएम बन करके. लेकिन जो प्रदेश की जनता की अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं को तुम पूरा नहीं कर सकते थे, तो जो केंद्र सरकार ने लागू किया कम से कम उनको तो जनता तक पहुंचाने का काम करना चाहिए था. शायद आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, मेरे से ज्यादा आप लोगों को जानकारी होगी, भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया गरीबों को देखते हुए. गरीब दवा के अभाव में अपने प्राण न गवाए, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख तक का बीमा लागू किया, और उसका लाभ लोग ले भी रहे हैं. आयुष्मान भारत के अंतर्गत, लेकिन मैं नहीं जानती हूं कि
यहाँ के मुख्यमंत्री को भारत सरकार की योजना को लागू करने में क्या कठिनाई हुई, क्यों नहीं साइन किया, पूरे देश में लागू हो गया। जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जो अपना अपना एक एजेंडा लेकर के चलते थे, आज वो सारे के सारे महागठबंधन कर रहे हैं। और ये महागठबंधन देश के विकास के लिए नहीं है, देश की जनता के लिए नहीं है, ये महागठबंधन अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये महागठबंधन हो रहा है। और मुझे लग रहा है देश की जनता इस चुनाव में और आने वाले 19 के चुनाव में महागठबंधन को जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का विकास किया है, देश का गौरव बढ़ाया है। आज यदि हम विश्व स्तर पर देखें जो सम्मान भारत का बढ़ा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति के कारण आज इन साढ़े चार वर्षों के अंदर देश के अंदर किसी भी कोने पर पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी घटना नहीं कर पाए, ये हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की कूटनीति के कारण आज सीमा पर जो भी आतंकवादी आता है वो वही ढेर कर दिया जाता है। यूपीए की गवर्नमेंट में कहीं हैदराबाद में आतंकवादी घटना घट रही है, कहीं बॉम्बे में घट रही है, कहीं किसी कचहरी में घट रही है, कहीं किसी बस अड्डे में घट रही है, ये सब कुछ हो रहा था। हमने उसमें भी कंट्रोल करने का पूरा भरपूर प्रयास किया है। तो मैं इस तेलंगाना की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि हम लोग देश की मुख्य धारा में इस तेलंगाना के विकास के लिए और आपके इस विधानसभा के लिए, आपकी विधानसभा में भी भारत सरकार की योजनाएं लागू हो, प्रदेश में अच्छी सरकार हो, सबकी सरकार हो, एक परिवार की नहीं हो। दुर्भाग्य इस देश का आजादी के बाद से एक परिवार के इर्द गिर्द राजनीति रही। ये पहली बार 2014 में अटल जी के समय एक परिवार से बाहर निकल करके सरकार बनी थी। जनता के बीच में ताल ठोक करके जा रहे हैं, हम कोई घोटाले करके नहीं जा रहे, हम जनता के बीच में काम किया है, काम करेंगे, उसके आधार पर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं वो इस प्रदेश में भी लागू हो, गरीब को आवास मिले, गरीब को स्वास्थ्य का बीमा लाभ मिले, ये सारी योजनाएं गरीब तक पहुंचे। बहुत बहुत हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से पूछना चाहती हूँ, 70 सालों में 7 साल तुम्हारी सरकार नहीं है, ये सवाल तो आपसे जनता पूछ रही है। अभी तो हमारी सरकार को 4.5 साल हुआ केंद्र में, पूरे देश में तो सरकारें तुम्हारी नहीं है। किसानों को कर्जदार बनाया किसने, किसानों की बदहाली का जिम्मेदार कौन है, 4.5 साल की सरकार या 7 साल की सरकार। राहुल गांधी जी से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, जिनके लोगों को ये पता नहीं कि गुड़ गन्ना से बनता है या कहाँ बनता है, आलू फैक्ट्री में बनते हैं, खेत में बनते हैं, वो सवाल किसान से, किसान के लिए बात कर रहे हैं। मैं इतने कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी 5 चुनावों के बाद दिखाई नहीं पड़ेंगे, तुरंत विदेश बन जाएंगे। किसानों की बात कर रहे हैं, जाके हमारे यूपी में कहते हैं जाके पैर ना भट्टी में भाई, पैर जानते हैं ना, और पैर में वो भट जाता है। मोदी जी समझ सकते हैं, जो गरीब घर में पैदा हुए हैं वो समझ सकते हैं, महलों में रहने वाले गरीब और किसान की पीड़ा को नहीं समझ सकते। नोटबंदी हुई, लाइन में लग करके भट्टी जेब दिखा रहे हैं, राहुल गांधी जी हिसाब किताब कर लो अपने भाई बहनों ही का, इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई, हिसाब किताब लगाओ जरा, कौन सी सर्विस कर रहे तुम, तुम्हारी इतनी बड़ी विदेशों में कंपनियां चल रही है, देश का पैसा लूट करके इस देश को गरीब बनाने के लिए, इस देश की गरीब जनता बनाने के लिए
तुमने काम किया है। आज तुम राजस्थान में कह रहे हो गरीबों का किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 5 साल पहले तुम्हारी सरकार थी। जरा पंजाब को याद कर लीजिए, पंजाब में किसान आत्महत्या कर रहा है, पंजाब में खालिस्तान की चर्चा चलने लगी। जब भी कांग्रेस की सरकार आती है कहीं ना कहीं खालिस्तान या आतंकवाद की चर्चा होने लगती है। आतंकवादियों के घर में मातम बनाने वाले लोग, आज मैं कह सकती हूँ जिस तरह से देश को तोड़ने के लिए इस देश में षड्यंत्र किए गए, उन षड्यंत्रों को